Hello everyone, this is Shafqat Mahmood Yusufzai and I welcome all my viewers to the lecture series of Contract Act 1872. Dear friend, it is our second lecture about the Contract Act 1872. So in this video lecture, we will be discussing about Section 3 and Section 4. Section 3 is about communication when complete. Section 3 mein bataya gaya hai ki communication of proposal, acceptance and revocation when complete. And Section 4 is about रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. रिवोकेशन का मतलब है मनसूख करना, अपने ऑफर को मनसूख करना, वापस लेना, अपने एक्सेप्टेंस को मनसूख करना. डेयर फ्रेंड्स, इन दोनों सेक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा. माजी में क्यों? देखे, हमारे जो इंसेस्टर्स थे वो एक दूसरे को ऑफ़र दे देते तो वो लेटर के ज़रिए से ऑफ़र दे देते. उस टाइम उनके पास तो मोबाइल नहीं थे, इसी तरीके से जदीद टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं. तो अगर वो एक दूसरे को ऑफ़र देना चाहते थे तो वो लेटर के ज़रिए से ऑफ़र दे देते, और इसी तरीके से उन ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाता था लेटर के ज़रिए से. तो फ़र्ज़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, जब वो एग्ज़ाम्पल हम समझ जाएँगे तो ये दोनों सेक्शन हम आराम से समझ जाएँगे. दोस्तों, फर्ज कीजिए कि ए अपना घर बेचना चाहता है बी को, और उसके लिए ए ने क्या किया कि 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को उसने लेटर पोस्ट किया और बी ने वो लेटर रिसीव किया 7 जनवरी को. ठीक है दोस्तों, लेटर में कहा गया था कि ए अपना घर बेचना चाहता है कितने का? 50 लाख का. इसी तरीके से बी ने कहा कि चलो ठीक है, ए का घर खरीद लेते हैं. तो बी ने ए का जो ऑफर था वो एक्सेप्ट किया और बी ने 10 जनवरी को लेटर पोस्ट किया और वो लेटर जो है बी ने रिसीव किया, फर्ज कीजिएगा 17 जनवरी को. ठीक है दोस्तों, तो ए का जो प्रपोजल है वो कब कम्युनिकेट हुआ बी को? 7 जनवरी को. जैसे ही बी को पता चला कि ए बी को प्रपोज कर रहा है कि बी ए का घर खरीद ले 50 लाख का, तो ए का जो प्रपोजल है वो बी को कम्युनिकेट हुआ 7 जनवरी को. और इसी तरीके से बी का एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है ए के खिलाफ, जैसे ही बी लेटर पोस्ट कर देता है 10 जनवरी को. और बी के खिलाफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता है? जैसे ही वो एक्सेप्टेंस का लेटर बी 7 जनवरी को रिसीव कर लेता है. इसी में, इस सेक्शन में यही बात बताई गई है. फर्ज कीजिएगा कि अगर ए अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है, यानी कि अपना ऑफर वापस लेना चाहता है, तो डेफिनेटली ए टेलीग्राम के जरिए से बी को बताएगा कि मैं अपना ऑफर वापस लेना चाहता हूं. तो जैसे ही ए ने टेलीग्राम को डिस्पैच किया, यानी कि टेलीग्राम को भेज दिया, ठीक है, तो रिवोकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है ए के खिलाफ, जैसे ही उसने टेलीग्राम को डिस्पैच कर दिया. और बी के खिलाफ कब कंप्लीट होता है? बी के खिलाफ जो रिवोकेशन है और प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है ए, वो कंप्लीट हो जाता है जैसे बी उस टेलीग्राम को रिसीव कर लेता है. तो इसी तरीके से दोस्तों, इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ यही बात बताई गई है. एक दफा हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और दोबारा अगर फिर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को दोबारा एग्जाम्पल भी दे दूंगा. कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. फर्ज कीजिएगा मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं और मैंने लेटर लिखा और जैसे ही वो लेटर आप रिसीव कर लेंगे तो जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपके नॉलेज में यह बात आ जाए कि मुझे फलां शख्स, यानी कि मैंने आपको ऑफर दिया है किसी चीज को खरीदने के लिए या किसी एक्ट से मना करने के लिए. तो ऑफर मैंने आपको बताया था कि ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं. इसी तरीके से दोस्तों, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर.
एज अगेंस्ट प्रपोजल, यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, जैसे ही 10 तारीख को बी ने लेटर पोस्ट किया तो बी का जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हुआ अगेंस्ट प्रपोजल। प्रपोजल कौन है यहां पे? ए है। 10 तारीख को ही ए के खिलाफ एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है प्रपोजर के खिलाफ। और व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। एक दफा जब हम लेटर पोस्ट कर देते हैं तो वो लेटर जो है वो हमारे कंट्रोल से निकल जाता है। तो 10 तारीख को बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया तो बी के कंट्रोल से लेटर निकल गया और 10 तारीख को ही ए के खिलाफ वो जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो प्रपोजर के खिलाफ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब एक्सेप्टर के खिलाफ जो एक्सेप्टेंस का लेटर है या एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट हो जाता है? जैसे ही प्रपोजर के नॉलेज में ये बात आ जाती है कि मैंने ए को जो ऑफर दिया था ए ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो बी के खिलाफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, फर्ज कीजिएगा कि ए अपना जो ऑफर है वो रिवोक करना चाहता है तो जैसे ही ए टेलीग्राम को डिस्पैच करेगा, ए अगर अपना ऑफर वापस लेना चाहता है तो ए के खिलाफ वो जो रिवोकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जैसे ही वो लेटर या वो जो टेलीग्राम है वो डिस्पैच हो जाए। और इसी तरीके से बी के खिलाफ जो है वो जो रिवोकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जैसे ही बी को वो टेलीग्राम रिसीव कर दे, या जैसे ही वो बी टेलीग्राम रिसीव कर देगा तो दोनों के जो ए और बी के खिलाफ जो है वो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, इसी सेक्शन में, सेक्शन 4 में बताया गया है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है। यहां पर टाइम पीरियड बताया गया है कि अगर ऑफरर जो है वो अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है तो वो कब रिवोक कर सकता है। इसी तरीके से अगर जो एक्सेप्टर है वो अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो वो कब रिवोक कर सकता है। इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखें, ए ने 1 जनवरी को लेटर पोस्ट किया और लेटर बी ने रिसीव किया 7 जनवरी को दोस्तों, और बी ने क्या किया 10 जनवरी को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया। अब यहां पर अगर ए अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है तो ए के पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि वो अपना ऑफर रिवोक कर सके, वो है 10 जनवरी तक। यानी कि 10 जनवरी से पहले पहले अगर ए अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है तो वो अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। और अगर 10 जनवरी के बाद वो अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है, फर्ज कीजिएगा कि उन्होंने बी ने टेलीग्राम जो है वो रिसीव किया, फर्ज कीजिए 11 जनवरी को, तो बी यही कहेगा कि भाई मैंने आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है, वो लेटर अभी आपको मिल जाएगा। तो 10 तारीख से पहले पहले ए के पास टाइम है कि वो अपना ऑफर रिवोक कर दें। इसी तरीके से बी अगर अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहते हैं दोस्तों, तो बी के पास मैक्सिमम टाइम कितना है? बी के पास मैक्सिमम टाइम है 17 जनवरी तक। यानी कि जो एक्सेप्टेंस का लेटर था जो बी ने पोस्ट किया था 10 जनवरी को, वो अगर ए रिसीव कर दे 17 जनवरी को, तो 17 जनवरी से पहले पहले बी अपने ऑफर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। और 17 तारीख के बाद अगर वो रिवोक करना चाहता है तो वो रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों सेक्शन में सिर्फ इतना ही, और अब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।